हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 21 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई यहाँ पे वो आई है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में। देखो, हर साल जो ऑफिशियली वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। बाकी जो अलग अलग कंट्री हैं वो अपने हिसाब से मनाती हैं। जैसे कि इंडिया में चिल्ड्रंस डे है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये ध्यान रखना कि जो ऑफिशियली अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 20 नवंबर। तो अभी यानी कि कल ही है वो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था, तो उसी मौके पे ये न्यूज़ है वो आई है। देखो, न्यूज़ ये थी एक छोटी सी अभी कि जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, इसकी भी 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस कन्वेंशन को, जो कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट भी है वो किया गया है। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ ध्यान रखने लायक वो ये है कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, और इसके बाद में इसको यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। बाकी जो कंट्री हैं वो अपने हिसाब से डेट है वो रखती हैं। जैसे कोई कंट्री 14 तारीख, कोई 15, 20, 25, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकती हैं। काम क्या है इस चिल्ड्रंस डे का? इसका काम यह है कि प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस, अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि बच्चों के लेके जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस है वो फैलानी। इसके साथ ही चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए प्रोग्राम है वो चलाने हैं। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए सरकार की चिल्ड्रंस को लेके, तो इन सारे को लेके गाइडलाइंस वगैरह जारी की जाती हैं, या बोल सकते हो कि लोगों को अवेयर करवाना का काम है वो यहाँ पे किया जाता है। अब इसमें दो छोटे छोटे फैक्ट और आते हैं। एक तो ये ध्यान रखना आपको कि 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उसको एडॉप्ट किया था, और इसी के साथ ही 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है इसको एडॉप्ट है वो किया था। तो अभी जो ये कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है ना, इसकी 30 साल कंप्लीट हो गई है, और इसी मौके पे आर्टिकल पब्लिश है वो किया गया है। आर्टिकल पब्लिश क्यों किया गया है? क्योंकि जो 30 साल कंप्लीट हुई है ना, तो एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम है गो ब्लू कैंपेन। तो ये ध्यान रखना, हैशटैग गो ब्लू कैंपेन किस रिलेटेड है? चाइल्ड अवेयरनेस को लेकर है, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को प्रमोट करने के लिए है। तो इस मौके पे हुआ क्या कि जो भी मतलब मेन मेन बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट वगैरह की, उनको ब्लू कलर की थीम में हाईलाइट है वो किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी जो पार्लियामेंट है इसको भी ब्लू कलर से मतलब यहाँ पे रखा गया है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई जो गो ब्लू कैंपेन है वो किससे रिलेटेड है, इसी को लेकर आर्टिकल में कुछ फेंकते हुए हमने कवर किया। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, यानी कि जो डलहौजी की हड़प नीति थी ना उसी को लेके हैं। तो क्या थी डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स? पहला फैक्ट तो ये हो जाता है कि किसके द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स? तो ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसीलिए इसको डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। डलहौजी थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे। कब से कब? 1848 से लेके 1856, और 18 आपको बताया 57 में ही आप जैसे हम जानते हैं कि रिवोल्ट है वो सामने आ गया था। 1857 की जो क्रांति है वो हुई थी। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स ये कहता है कि भाई कोई भी राज्य उस टाइम पे था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो या फिर कोई वंश आगे नहीं बढ़ रहा हो, उस कंडीशन में वो राज्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर मिला लेगी। तो इसी को लेके काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट रहती थी, काफ़ी सारे राज्यों को उन्होंने मिला भी लिया था। अब देखो, इसमें एक तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि किसके द्वारा कौन से टाइम में जारी की गई थी। तो ये कब थी डलहौजी की हड़प नीति? ये थी 1848 से लेके 1856 के बीच की बात है। सबसे पहले कौन सा राज्य इसमें एक्वायर किया गया था वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, वो राज्य एक्वायर किया गया था 1848 में सतारा। सतारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना, उस टाइम पे सतारा जो प्रोविंस या जो आप बोल सकते हो रियासत थी, उसको सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के तहत इंडिया में ब्रिटिश राज ने अपने अंडर मिलाया था। इसके बाद में जैसे कि जयपुर, संभलपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी। तो देखो, आगे के तो इतने याद नहीं रखने, बस ये ध्यानों की स्टार्टिंग वाले कौन से हैं। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, इसके बाद में जयपुर को और फिर संभलपुर। और अगर हम बात करें कि वो 1848 से पहले भी एक राज्य मिला था इसी कॉन्सेप्ट पे, वो था कितूर। ये ध्यान रखना, कितूर वैसे मिलाया गया था 1824 में, यानी कि 1824 में जब डलहौजी नहीं थे इंडिया के गवर्नर जनरल, उस दौरान भी एक राज्य को इसी कॉन्सेप्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर मिला लिया था, वो था कितूर। तो वैसे अनाउंसमेंट होने के बाद तो मिलाया गया था सतारा, बाकी सबसे पहले मिलाया गया था कितूर, जो कि 1824 में। तो ये कुछ दो चार फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्लेग को लेके। देखो, तो प्लेग एक बीमारी है, उसी को लेके आर्टिकल पब्लिश किया गया है। न्यूज़ ये आई है कि दो लोग थे चाइना की जो है सिटी है बीजिंग, वहाँ पे भी उनको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो प्लेग से संक्रमित हैं।
अब प्लेग देखो वैसे तीन टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप का होता है एक बार तो थोड़ा हम वो देख लेते हैं। एक तो होता है यहाँ पे बुबोनिक प्लेग, दूसरा होता है निमोनिक प्लेग, और जो तीसरे टाइप का होता है वो यहाँ पे होता है सेप्टिकेमिक प्लेग। तो देखो इन डिफरेंस क्या है वो सब तो इतना डीपली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी जो आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे निमोनिक प्लेग के बारे में। जिससे जैसे निमोनिया होता है बच्चों में उसी तरीके से कुछ इफेक्ट है वो प्लेग में, इसमें निमोनिया जैसे ही होते हैं। देखो ये डिजीज फैलती किससे है, बैक्टीरिया से, वो हम डिस्कस करेंगे। बट निमोनिक प्लेग में क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर इन्फेक्शन फैल जाता है बैक्टीरिया का, और पेशेंट की बहुत जल्दी ही डेथ हो जाती है। यानी कि जब से इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है उसे 24 से 72 घंटों के बीच में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो एक काफ़ी खतरनाक प्लेग होता है निमोनिक प्लेग, जो कि इन तीनों टाइप के प्लेग में सबसे खतरनाक माना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसकी कि यह जो निमोनिक प्लेग है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट है, स्प्रेड है वो होता रहता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि चेस्ट पेन, फीवर, कफ होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी जो आर्टिकल है वो निमोनिक प्लेग के बारे में है कि जो बीजिंग में जो पेशेंट आए हैं दो डिस्कवर किए गए हैं वो निमोनिक प्लेग से पीड़ित हैं, जो कि काफ़ी गंभीर खतरा देखने को मिल सकता है। अब हम जानते हैं प्लेग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। देखो प्लेग है क्या, एक डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो एक फैक्ट तो यही बन जाता है कि बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज है या फिर वायरस से। तो जी हाँ, बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे येरसीनिया पेस्ट्स। पेस्ट्स का मतलब होता है कीड़ा, जो कि मेनली कहाँ पाया जाता है, जो देखो कुतरने वाले जानवर होते हैं जैसे कि खरगोश हुआ, बिल्ली हुई, या फिर इसके अलावा अगर और हम बात करें चूहा हुआ, ऐसे जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं रोडेंट्स, तो कुतरने वाले जीवों को। और इनकी स्किन के ऊपर नॉर्मली ये जो पेस्ट है, कीड़ा है, वो पाया जाता है, जिसका नाम है यहाँ पे येरसिनिया। तो ये आप ध्यान रखना ये कीड़ा कहाँ पाया जाता है और उसकी वजह से डिजीज है वो फैलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी यह ट्रांसमिट होती है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी या काफ़ी खतरनाक रोग आप बोल सकते हो कि रूप में जा सकता है। इसका देखो सबसे बड़ा जो प्रकोप है वो अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 15वीं सेंचुरी के बीच में यूरोप में बहुत बड़ी मात्रा में यह फैला था, और उस दौरान काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई थी। इसीलिए प्लेग को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ डिजीज आ जाए तो आप समझ है ना कि प्लेग को लेके ही ये आर्टिकल पब्लिश यहाँ पे किया गया है, तो उसी को कहा जाता है। तो ये कुछ आर्टिकल में फैक्ट दिए गए थे प्लेग के बारे में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वेस्ट बैंक के बारे में। देखो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले हिस्से की यहाँ हम बात करें कि जो वेस्ट एशिया है उसकी लोकेशन भी यूपीएससी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर साल पूछती रहती है। एक तो देखो यहाँ पे कई बार यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में सिटी रेंज करवा लेती है। तो वेस्ट बैंक में एक सिटी है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा नाम हेब्रू, ये ध्यान रखना हेब्रू कहाँ पे है, वेस्ट बैंक में। तो यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आईएसआईएस के काफ़ी सारा मामला कॉम्प्लेक्स रहता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ की सिटी है वो कई कई न्यूज़ में रहती हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक टेरिटरी है जो कि मेडिटेरियन कोस्ट के पास में है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक हिस्सा है वेस्ट बैंक का, वो यहाँ पे ये रहा, और दूसरा इसके एक हिस्सा हो रहा है जिसका नाम है गाजा स्ट्रिप। और वैसे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों को मिला के पेलेस्टीन जो कंट्री है उसके नाम से जाना जाता है। यानी कि पेलेस्टीन कंट्री है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है वेस्ट बैंक और एक है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक का कोई भी बॉर्डर है वो ध्यान रखना है मेडिटेरियन सी को टच नहीं कर रहा है। वेस्ट बैंक का एक हिस्सा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो इसराइल को टच कर रहा है, इधर एक साइड का हिस्सा यहाँ पे देखो जॉर्डन है इसको टच कर रहा है, कुछ हिस्सा इसका डेड सी के अंदर आता है। तो इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। एक यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको पूछ सकती है कि ग्रीन लाइन है वो इसराइल को और इसको अलग अलग स्प्रेड है वो करती है, कि भाई इसराइल और वेस्ट बैंक को जो लाइन डिवाइड करती है उसका नाम है ग्रीन लाइन। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, रेड क्लिफ होती है, उसी तरीके से लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम बात करें कि वेस्ट बैंक है उसका बॉर्डर यहाँ पे डेड सी को है, मत सागर को भी टच करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है, यूपीएससी पूछ सकती है। अब हम कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एक देखो सिटी आपको ध्यान रखना है तेल अवीव। देखो तेल अवीव है वो वैसे इसराइल की पहले कैपिटल थी, बट अब इसराइल ने अपनी कैपिटल है वो तेल अवीव से हटा के जेरूशलम में शिफ्ट है वो कर दी है। जेरूशलम है वो एक डिस्प्यूट सिटी है जिसको लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बट इसराइल ने अपनी कैपिटल वो यहाँ पे शिफ्ट की है। तो यूपीएससी पूछ सकती है हेब्रू के बारे में भी, तेल अवीव के बारे में भी, जेरूशलम के बारे में, कि ये सिटी कहाँ कहाँ है, तो हमें उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो इसराइल का अगर हम बात करें तो 1948 में,
अरब और जो अरब कंट्रीज हैं वो और इसराइल के बीच में एक वॉर हुआ था जिसका नाम था अरब इसराइली वॉर 1948। इसमें इसराइल बुरी तरीके से हार गया था और इसराइल का जो कई हिस्से काफ़ी सारे हिस्से थे जिन्हें आप बोल सकते हो कि अलग अलग कंट्री ने कैप्चर कर लिए थे, और जो एक हिस्सा था यानी कि वेस्ट बैंक इसको जॉर्डन ने कैप्चर है वो कर लिया था। यानी कि 1948 की जो अरब इसराइली लड़ाई हुई थी इसमें वेस्ट बैंक वाले हिस्से को जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था इसराइल से। इसके बाद में इसराइल ने फिर से लड़ाई लड़ी 1967 में, तो इसको सिक्स डे वॉर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह लड़ाई 6 दिन चली थी। और इस लड़ाई में इसराइल ने बाकी जो सारी कंट्रीज थी अरब की जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन सबको हरा दिया और काफ़ी सारे हिस्से को कैप्चर कर लिया। जैसे एक तो उसने सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर किया, एक इसने गाजा स्ट्रिप को कैप्चर किया, इसी के साथ ही वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया था और जेरूसलम का ईस्टर्न हिस्सा इसको कैप्चर कर लिया, गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया। अब देखो कहाँ कहाँ से कैप्चर किया ये भी ध्यान है, जैसे कि सिनाई पेनिनसुला है और जो गाजा स्ट्रिप है वो तो इजिप्ट के अंडर आती थी, तो इन दोनों को इसराइल ने हड़प लिया या बोल सकते हो कि ऑक्यूपाइड कर लिया। इसके बाद में जो वेस्ट बैंक है और जो ईस्टर्न जेरूसलम है ये जॉर्डन के कब्जे में थे तो ये जॉर्डन से छीने थे, और जो गोलान हाइट्स है वो सीरिया का हिस्सा था इसको इसराइल ने छीन लिया था। तो ये कौन कौन से हिस्से की लोकेशन कहाँ है एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं। ये तो देखो हमने वेस्ट बैंक देख ही लिया, यहाँ पे डेड सी है, यहाँ पे जॉर्डन कंट्री है, ये यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है। देखो ये आपको दिख रहा होगा ये पूरा सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट के अंडर है, मतलब मिस्र के अंडर है, इजिप्ट के अंदर आता है। इसका गाजा स्ट्रिप यहाँ आपको दिख रही है, यह है गोलान हाइट्स ऊपर यहाँ पे जो कि सीरिया और इसराइल के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहता है। इसराइल ने वैसे इसे हड़प लिया था 6 डे वॉर में। तो कौन सी का बॉर्डर कहाँ टच करता है यूपीएससी की बार पूछ लेती है। सऊदी अरब का बॉर्डर कोई भी टच नहीं करता है इसराइल की, ये ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है यूपीएससी यहाँ पे मेनली पूछती रहती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में, यानी कि नेट ग्रिड। देखो हुआ क्या था, जब 26/11 को मुंबई अटैक हुआ था इसके बाद में इंडिया को लगी एक जरूरत महसूस हुई कि भाई हमें एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनानी चाहिए ताकि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हम जो भी डाटा रहता है हमारे पास बिग डाटा है उसको हम एनालिसिस कर सकें, और भी जो हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एजेंसी है उनके डाटा को एक जगह हम शेयर कर सकें, और हमें अलग अलग जो भी गैदरिंग वगैरह करनी होती है, डाटा एनालिसिस करना हो, डाटा प्रोसेस करना हो, वो सारा एक पोर्टल पे काम रहे ताकि जिस भी डिपार्टमेंट को डाटा की, मतलब जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं किसी को भी डाटा चाहिए हो वो वहाँ से ले सके और उनको सारे को अच्छे से एनालिस कर सके। तो इसीलिए एक पोर्टल है वो बनाया गया है। तो ध्यान रखना कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है वो क्या है, एक पोर्टल है, एक टाइप की एक वेबसाइट है। इसमें क्या है, डाटा रखा गया है, किस टाइप का डाटा है, हमारी इंटेलिजेंस से संबंधित, यानी कि इंडिया के जो भी आप बोल सकते हैं खुफिया संबंधी डाटा है वो सारे यहाँ पे रहते हैं। टेररिस्ट संबंधी कोई भी सस्पेक्ट जो एक्टिविटीज देखी जाती है वो, या फिर कोई भी तरह का टेररिस्ट अटैक संबंधी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हो तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहती हैं। अब देखो कुछ जैसे कि जो अपोजिशन की पार्टी है वो आरोप भी लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये इसलिए लेके आई है नेट ग्रिड ताकि जो आप बोल सकते हो कि आम जनता है इसके मतलब राइट टू प्राइवेसी का हनन किया जा सके, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उन पर सर्विलांस है वो रखी जा सके। खैर वो एक अलग बात है, बट हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है उसके नज़र से आर्टिकल को यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट फेज में डाटा है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे रखेंगी, जैसे कि ये मान लो कि CBI है, IB है, ED है, ये अपना सारा डाटा यहाँ पे शेयर करके रखेंगे। तो जिस भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जरूरत पड़ेगी कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो CBI वगैरह से कैसे, तो वो यहाँ से एक्सेस है वो की जा सकती है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यह हमारे सभी आम लोगों के लिए अवेलेबल है वो नहीं होगा, केवल जो हमारे देश की ऑथोराइज एजेंसी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उन्हीं के लिए डाटा अवेलेबल रहेगा, वही इसको एक्सेस कर सकती है, और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए वही इस डाटा को एक्सेस यहाँ पे कर पाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है 2019 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। देखो 2019 की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है वो जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। देखो IMD या ये जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, ये कहाँ बेस्ड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है, और इसमें जो रैंकिंग जारी की गई है वो तीन कैटेगरी या तीन क्राइटेरिया के आधार पर जारी की जाती है। एक है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा है अपील, और तीसरा है यहाँ पे रेडनेस। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है, सेकंड रैंक पे रही है डेनमार्क कंट्री, और उसके बाद में रही है स्वीडन, ऑस्ट्रिया और लक्समबर्ग। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो इंडिया की रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इंडिया के नज़रिए से इसको आर्टिकल को देखते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि जारी किसके द्वारा किया जाता है, IMD। इंडिया की देखो जो इस बार रैंकिंग है वो पिछड़ी है पिछले साल की बजाय में, मतलब इंडिया 6 प्लेस पीछे चला गया है
इस बार इंडिया की रैंकिंग रही है 59। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो काफ़ी लो है, इसी के साथ ही एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी बहुत कम है। मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो एक्सपेंडिचर है इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में वो बहुत कम है। गवर्नमेंट जीडीपी का बहुत कम हिस्सा है वही एजुकेशन पे खर्च करती है, तो इसीलिए हमारे देश में एजुकेशन इतनी आगे नहीं जा पाती है, क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं आ पाती। ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें तो चाइना की रैंकिंग रही है 42, रशिया की रैंकिंग रही है 47 और साउथ अफ्रीका की रैंकिंग रही है 50। इसके बाद में इंडिया रहा है नीचे, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में भी इंडिया की रैंकिंग है वो सबसे नीचे रही है। और अगर इसमें फैक्ट को हम देखें इंडिया के नज़र से, तो देखो इंडिया में एक इश्यू और भी है एजुकेशन को लेके, वो है वुमेन पार्टिसिपेशन। मतलब कि जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं पीछे रहता है, और इसी वजह से हमें आप बोल सकते हो कि रैंकिंग में नीचे की रैंक वो देखने को मिलती है। जो लेबर फोर्सेज हैं इसमें हमारे देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अब भी बहुत कम है। हेल्थ सिस्टम में भी आप जानते हो महिलाओं को काफ़ी पीछे रखा गया है, तो ये काफ़ी सारी हमारे देश की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नीची रैंकिंग है वो मिली है। इसी के साथ ही इंडिया के बारे में भी बताया गया है कि जो एशियन इकोनॉमीज है ना, मतलब एशिया की जो और जो कंट्रीज हैं उनमें अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी तेजी से डिक्लाइन हुई है कंपेयर टू अदर कंट्री। क्यों? क्योंकि तो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया की, इसी के साथ ही इंडिया से क्या होता है कि जो ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब हमारे देश के जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं जो IIT से या डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट वगैरह से, वो क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं बाहर की कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली इंडिया का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, मतलब यहाँ से अच्छे से टैलेंटेड लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इंडिया को एक क्वालिटी वाला स्टाफ नहीं मिल पाता, क्वालिटी की जो आप बोल सकते हो कि नई स्किल्स आगे वो नहीं डिलीवर हो पाती हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो और भी कई एरिया में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि लो प्रायोरिटी, मतलब एजुकेशन में कई एरिया में हम इतनी प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं, इकोनॉमी भी काफ़ी अभी चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। तो ये कुछ रीजंस दिए गए हैं कि इनकी वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस है वो नीचे रही है और इंडिया को इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। ये थी देखो आज की हमारी न्यूज़। अब एक बार जल्दी से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के बारे में जाना कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके द्वारा हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो मनाया जाता है, और इस बार एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है गो ब्लू कैंपेन। इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो कि डलहौजी की हड़प नीति है, सबसे पहले 17 जो रियासत थी उसको मिलाया गया था, इसके बाद में जयपुर को। इसी के साथ ही हमने प्लेग बीमारी के बारे में जाना जो कि एक बैक्टीरिया है यहाँ पे येरिसेई, इसके द्वारा फैलता है और तीन टाइप का होता है वो भी हमने देखा, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड है वो होता है या फिर एनिमल टू ह्यूमन भी स्प्रेड है वो होता रहता है। और हमने यहाँ पे वेस्ट बैंक के बारे में जाना, वेस्ट बैंक की जो सिटीज़ हैं उनको हमने कवर किया, गाजा स्ट्रिप, तेल अवीव है, मेडिटेरियन सी की जो लोकेशन है, डेड सी की लोकेशन है, इनको हमने कवर किया, और इज़राइल का जो 1948 का अरब इज़राइली वॉर था इसे कवर किया है। इसी के साथ ही 1967 का जो 6 डे वॉर था इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में उसको हमने यहाँ पे कवर किया। और हमने यहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में जाना जो कि हमारे देश में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण या एम्बिशियस प्रोग्राम है। काम क्या है इसमें कि जो भी हमारे देश की टेक्नोलॉजी है जैसे कि बिग डाटा है, एनालिसिस है, इन सब की स्टडी करके और हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस का डाटा होगा उसकी हेल्प से हम टेररिस्ट अटैक को काउंटर है वो यहाँ पे करेंगे। लास्ट में हमने जो 2019 की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है उसके बारे में जाना कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। इंडिया की रैंकिंग इस बार पिछड़ी है, तो ध्यान रखना है ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की रैंक इस बार स्लो डाउन रही है। ये थी आज की डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।